श्री गजेंद्र सिंह परमार जी, श्री किरीट भाई वाघेला, सचिव बॉर्डर मैनेजमेंट श्री धर्मेंद्र सिंह गंगवार, डीजी बीएसएफ श्रीमान पंकज कुमार जी, एडिशनल डीजी बीएसएफ श्री रामा शास्त्री जी, गुजरात के आईजी श्री मलिक जी और उपस्थित प्यारे जवान भाइयों और बहनों, आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज मैं यहां पर नड़ा बेट पर पाकिस्तान सीमा से 30 किलोमीटर दूर एक बहुत बड़ा मल्टीपर्पज पर्यटन केंद्र गुजरात सरकार ने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से बनाया है, इसका फॉर्मल उद्घाटन करने के लिए आया था। वैसे तो यहां यात्रियों का आना जाना लगभग दिसंबर जनवरी माह से चालू है, हर रोज लगभग 10,000 यात्री आते हैं, कुछ दिन वो आंकड़ा 20,000 को भी क्रॉस कर। मित्रों, पर्यटन केंद्र क्यों बनाया गया उसके बारे में मैं बाद में आपको बात करूंगा। सबसे पहले मैं बीएसएफ के जवानों को, पूरी बीएसएफ की टीम, चाहे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में कुछ भी काम करते हैं, वो सभी को पूरे देश की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार जताने के लिए। और इसको एक प्रकार से नाम तो सैनिक सम्मेलन दिया है, मगर मेरी दृष्टि से एक आभार सम्मेलन है, क्योंकि मैं जानता हूं कोई भी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स हो और विशेषकर बीएसएफ, उसका काम कितना कठिन होता है। मैं गुजरात से हूं, कच्छ और बनासकांठा का रेगिस्तान मैंने देखा है, अभी से ही 42 डिग्री 43 डिग्री गर्मी पहुंच चुकी है, रेत की आंधियां चिलचिलाती गर्मी, हाड़ को थिजा देने वाले ठंडी, ये सब के बीच में अहर्निश एकाग्रता के साथ जीवन पर्यंत कर्तव्य के मंत्र को साकार करते हुए बीएसएफ के जवान देश की 6385 किलोमीटर लंबी सीमा की सुरक्षा करते हैं। और मैं मानता हूं कि देश के अंदर 6-7 साल से, जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, देश को दुनिया में सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाने की, हर क्षेत्र के अंदर सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाने की एक प्रकार से आयोजनबद्ध तरीके से प्रयास हो रहा है। और वो प्रयास सफल इसलिए होगा कि बॉर्डर गार्डिंग फोर्स के मेरे जवान सीमा पर अभेद सुरक्षा का सुदर्शन चक्र लिए हुए खड़े हैं। आप सीमाओं की सुरक्षा करते हो, इसीलिए सीमा के अंदर विकास संभव हो। अरे तो ये सीमा है जहां उत्कृष्ट पराक्रम बीएसएफ और सेना के लोगों ने किया है। जब लड़ाई हुई, नगर पार करके लगभग 1000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को पाकिस्तान से छीनकर विजय का तिरंगा फहराने का काम यहां बॉर्डर सिक्योरिटी को, बहुत लंबे समय तक, जब तक समझौता नहीं हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन में भी बीएसएफ लगी रही। और 1965 से बना हुआ है संगठन, 25 बटालियनों के साथ
265,000 जवानों की नफरी के साथ आज 193 बटालियन और 60 आर्टिलरी रेजिमेंट के साथ। मित्रों, ये संगठन 265,000 की नफरी ये भारत की सुरक्षा की गारंटी है, ऐसा पूरा देश और देश का हर नागरिक मानता है। कश्मीर घाटी में घुसपैठ रोकनी हो, नॉर्थ ईस्ट में और कुछ वामपंथी उग्रवादी क्षेत्रों में आंतरिक सुरक्षा को संभालना हो, भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दोनों देशों के रिश्ते न बिगाड़ते हुए देश के सभी हितों की सुरक्षा करनी हो, क्रीक के कठिन क्षेत्र के अंदर भी घुटनों तक दलदल में घंटों तक चलकर वहां पर सजगता बरतनी हो। मैं नहीं मानता विश्व में इतने कठिन से कठिन स्थितियों में काम करने वाला कोई सीमा सुरक्षा बल होगा, वो केवल और केवल बीएसएफ होगा। और इसलिए ये जो अभी सीमा दर्शन कार्यक्रम बनाया गया है पर्यटन के साथ नड्डा बेट के अंदर, पर्यटन के उद्देश्य से बना, 125,000 करोड़ रुपए का खर्चा गुजरात सरकार ने इसके अंदर किया है। यहां बीएसएफ की वीर गाथाओं को छोटे छोटे बच्चे देखकर हमारे बॉर्डर गार्डिंग फोर्स के प्रति सम्मान की भावनाओं को संस्कार के रूप में स्वीकार करें, उनका भी मन बने कि देश की सुरक्षा के क्षेत्र में मुझे भी कुछ करना है। हो सकता है वो सीमा सुरक्षा बल से न जुड़े और कोई सीएपीएफ से न जुड़े, सेना में न जाए, मगर देश की सीमाओं के सुरक्षा करने वाले प्रहरी के प्रति उसका सम्मान और संवेदना हमेशा के लिए जागरूक। गुजरात सरकार अब यह भी आयोजन करने वाली है कि 5वीं से 8वीं कक्षा का पढ़ाई करने वाला हर बच्चा अपने स्कूल के पर्यटन का सेंटर अभी नड्डा बेट बनने जा रहा है, जिससे यहां पर बीएसएफ के त्याग, समर्पण, बलिदान, वीरता ये सबको अपने साथ लेकर वो सिविल सोसाइटी के अंदर जाएगा। जब वो नागरिक बनेगा तब भी उसके जीवन के अंतिम साल तक ये सम्मान बना रहेगा। लोग भी आएंगे रिट्रीट को देखने के लिए, अभी ही 10,000 लोगों की आवाजाही हो रही है। गुजरात सरकार आसपास के क्षेत्र में रहने की सुविधा, होटलों का भी एक अच्छा प्लानिंग करने जा रही है। कम से कम 2 दिन बनासकांठा की सरहद पर गुजरात का हर नागरिक निकाले, तभी जाकर ये सरहद की कठिनाइयों के साथ जुड़ेगा और सरहद को जानने का काम कर पाएगा। मित्रों, मैं ज्यादा लंबा नहीं कहना चाहता, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार ने सभी सीएपीएफ के जवानों की सुविधाएं बढ़े, आपके परिवारों की सुविधाएं बढ़े, इसके लिए भी ढेर सारे कार्यक्रम हाथ में दिए हैं। बहुत डिटेल में मैं इसके बारे में कहना नहीं चाहता, इसके अंदर हेल्थ चेकअप से लेकर हाउसिंग सेटिस्फेक्शन रेशियो से लेकर आपकी ड्यूटी को भी रेशनलाइज करने जा रहे हैं, परंतु आयुष्मान सीएपीएफ का जो कार्यक्रम है उसको पॉपुलर बनाना आपके हाथ में। मैं मानता हूं बीएसएफ के सभी जवानों को कार्ड पंकज सिंह जी मिल गए होंगे, परिवार के कार्ड है, आपके परिवार में भी किसी भी व्यक्ति को कोई भी बीमारी भगवान न करे आती है तो वो कार्ड लेकर अनेक अस्पतालों में जाकर अपना इलाज करा सकता है और कोई कागजी कार्यवाही में पड़ने की जरूरत नहीं। और ये आपकी सुविधा के लिए बना है और ये प्रयोगात्मक है, इसके अंदर ढेर सारे सुधार आपकी कठिनाइयों के देखते हुए आगे करना चाहते हैं। इसलिए
मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि इसके ऑपरेशनल दिक्कतें, टीचिंग प्रॉब्लम, शुरुआती दिक्कतें अगर कोई भी आपके ध्यान पर आती है तो निसंकोच DGBSF को लिखे और DGBSF भी इसको संकलित करने कर ये पूरी योजना को जीरो कठिनाई वाली योजना बनाने की दिशा में भारत सरकार का सहयोग करे। मित्रों, फिर से एक बार पूरे देश की ओर से, प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से और गृह मंत्रालय की ओर से BSF के सभी जवानों के देशभक्ति और कठिन परिस्थिति में कर्तव्य निभाने के जज्बे को मैं सैल्यूट कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। आज खाना भी आप लोगों के साथ खाना है तो मुझे भी बहुत आनंद आएगा और आप लोगों को मिलने का मौका दिया इसलिए DGBSF का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। वंदे मातरम। स्नेह व सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। और अब समय है महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल श्री पंकज कुमार सिंह द्वारा समस्त सीमा प्रहरियों की ओर से माननीय मुख्य अतिथि महोदय सहित मंच पर विराजमान विशिष्ट अतिथिगणों को स्मृति चिन्ह भेंट करने का। इस क्रम में सर्वप्रथम आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय श्री अमित शाह जी इस सम्मान में